आरएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाला है, कब इसके फॉर्म रिलीज होंगे और कब से इसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी, तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या नेट से इसका एग्जाम होगा या फिर आरएचएस खुद इसका एंट्रेंस एग्जाम करवाने वाला है। सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं इस पर फाइनली इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, और आपको कहाँ से स्टडी मटेरियल परचेज करना है, कौन सा स्टडी मटेरियल बेस्ट रहने वाला है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक जरूर करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, आरएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कब तक एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती, कौन इस एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी, एनटीए करवाएगी या आरएचएस खुद इस एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, क्या हिंदी और इंग्लिश भी आते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। आप शेयर करोगे तभी हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। क्लासों के बारे में बताऊंगा, क्लासें कब स्टार्ट हो रही है, तो वीडियो में बने रहिए, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट ने 12 मार्च को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था एनटीए ने, जिसमें लिखा हुआ था कि जो आपका एडमिशन होने वाला है वो नीट के थ्रू होने वाला है बीएससी नर्सिंग में। बट उसमें नहीं लिखा हुआ था कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में है, उसमें किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं था। उसमें यही बोला था कि मे भी यूज कर सकते हो बीएससी नर्सिंग का, जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए आप नीट का स्कोर यूज कर सकते हो, लेकिन सभी के लिए नहीं बोला था। तो 100% है कि आरएचएस उसमें आरएचएस बीएससी आरएचएस नीट का यूज नहीं करेगा, क्योंकि आरएचएस के अंडर लगभग 3900 प्लस सीट्स हैं। इस वजह से आरएचएस को यूज नहीं करेगा, ये अपने बेस पर ही एंट्रेंस एग्जाम करवाने वाला है। इसमें एंट्रेंस एग्जाम करवाने से आरएचएस को भी प्रॉफिट रहता है, क्योंकि जो कमाई होती है जो आरएचएस को हो जाती है, तो इससे आरएचएस को भी प्रॉफिट रहता है। तो आप ध्यान रखिए, आरएचएस खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा। अब आपको तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल खरीदने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिलेगी, जिसमें आज जो हमारा स्टडी मटेरियल लॉन्च हुआ है उसके बारे में फुल जानकारी है। आप वीडियो देख सकते हो और उसके बारे में पूरी जानकारी रखकर अगर परचेज करना चाहो तो खरीद सकते हो। ई बुक्स भी अवेलेबल है, चाहे आप पीडीएफ फॉर्म में खरीदो, चाहे आप प्रिंटेड बुक खरीदो, दोनों तरह से आपके लिए अवेलेबल है। सही प्राइज है जो आपके लिए, वहाँ जाकर वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कब तक फॉर्म आने वाले, तो अपन को सर्च करते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए। हमारा ब्लॉग ही पर आपको पता लग जाएगा कब तक आने वाली है ये पॉजिटिव ब्लॉग। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं आईआईटीजी और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रहा है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। ब्लॉग है, इस पर आपको नज़र आ जाएगा। वैसे तो एक मिनट, आरएचएस बीएससी नर्सिंग एग्जाम डेट आउट सून, जल्दी ही आपके एग्जाम डेट आने वाली है। बहुत सारे चैनल वाले ये बात बता रहे हैं कि अगस्त में आपके एग्जाम डेट आ जाएगी, फॉरम डेट आ जाएगी। अगस्त में आपके फॉरम डेट नहीं आने वाली, क्योंकि आईएनएस ने खुद ने ये नोटिफिकेशन रिलीज करके बोला है कि 2 मंथ लेट कर दिया जाएगा, जो भी नए सेशन आएंगे सबको 2 मंथ लेट एडमिशन दिया जाएगा। मैंने आईएनएस का जो नोटिफिकेशन आया था उसको भी आपको दिखाया था। तो इस हिसाब से आपका एग्जाम नहीं होने वाला, दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा, और आपके जो फॉरम आएंगे वो अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपके फॉरम आने की संभावना है। ना तो जुलाई में आएंगे, ना ही अगस्त में आएंगे, अक्टूबर के लास्ट में आपके फॉरम आने की पूरी संभावना, अक्टूबर या नवंबर के स्टार्टिंग में ही आपके फॉरम आएंगे। एवरी ईयर 2-3 साल से यही हो रहा है, लेट ही फॉरम आ रहे हैं, और इस साल तो कोविड की वजह से और कंडीशन ख़राब थी। तो आईएनसी ने भी खुद नोटिफिकेशन जारी करके आपको 2 मंथ लेट करने का बोल दिया था, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं राजस्थान में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या होता है। तो राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ की ये आपके एग्जाम करवाती है, और इसका जो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, राजस्थान जो आरएचएस है उसका गलत लिखा हुआ है इसमें,
यहाँ पे मिस टाइपिंग है, राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंस जयपुर होना चाहिए ये, लेकिन इसमें मिस टाइपिंग है, इसको सही हो जाएगा ये तो वैसे भी, बट राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंस जो जयपुर वाली है आपका बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसकी जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहती है 2 आवर की आपके एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपका एग्ज़ाम होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं और एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, इस प्रकार टोटल 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होता है। तो 100 मार्क्स में ही आप 100 मार्क्स में ही आपकी परसेंटेज बनती है। इसके अलावा जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एंट्रेंस एग्जाम कौन करवाता है? एंट्रेंस एग्जाम सेल खुद एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, यानी कि जैसे NTA वगैरह जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है वो खुद एग्जाम नहीं करवाती, इसमें खुद RHSE अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है? तो इसके अंतर्गत इंक्लूड है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री, दोनों सब्जेक्ट इसके लिए अंतर्गत इंक्लूड है। बाकी आप फुल सिलेबस देखना चाहते हो फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स है, बायो में कौन कौन से टॉपिक है, तो यहाँ क्लिक हेयर पे कर क्लिक करके आप अपना फुल सिलेबस देख सकते हो। बेस्ट बुक के लिए आप यहाँ क्लिक करके बाय कर सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्ट सिंपली बाय करने वाले पेज पर पहुँच जाओगे और वहाँ से आप बाय कर सकते हो। अन्यथा और इसके अलावा जो फोरम कब तक आएंगे, तो फोरम और रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका फोरम आएंगे अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपका फोरम आने वाला है। कब तक? अक्टूबर के लास्ट वीक तक फोरम आने वाला है, इससे पहले आपके फोरम नहीं आएंगे। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फोरम की वो रहे हैं मिड वीक ऑफ नवंबर तक आपके फोरम चलेंगे। और एग्ज़ाम डेट जो रहेगी आपकी वो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जनवरी के आसपास आपकी एग्ज़ाम डेट होगी। दिसंबर की एंडिंग है, स्टार्टिंग जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा जो रिजल्ट आएगा 3 से 4 दिन में आपका रिजल्ट कंफर्म आ जाता है। जब मान लो अगर 1 तारीख को एग्ज़ाम होता है तो 5 से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, इतना जल्दी इसका रिजल्ट आता है। और इसकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है, काउंसलिंग कम से कम 8-10 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट करवा देता है। RHS इतना सिंपल काम नहीं करता, बहुत जल्दी जल्दी काम करता रहता है। बाकी आप बुक्स वगैरह सब यहाँ से परचेज कर सकते हो, हमारी बुक्स आज ही लॉन्च हुई है, लगभग लिमिटेड स्टॉक है, जल्दी ख़त्म होने की कगार पर हैं, तो आप ऑर्डर करके आप अपना प्रॉफिट पहले ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से पोस्ट होने के बाद आपके पास आने में इसको टाइम लगता है। बाकी जो 3 बुक्स आज बाई हुई है, मतलब तीन सेट जो बाय हुए हैं आज, तो तीनों सेट मैंने अभी भेज दिए पोस्ट ऑफिस के थ्रू, सभी को कैंडिडेट्स को मेल करके मैंने उनके सभी कैंडिडेट्स को मेल कर दिया है। उनकी जो ट्रैकिंग नंबर उनके मेल के थ्रू उनको पहुँचा दिए गए हैं, तो वो ज़रूर चेक कर लेगा अपने ट्रैकिंग नंबर से और रेगुलर चेक करते रहिएगा। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि स्टडी विद देव लेके आ रहा है एक बिल्कुल सबसे अलग नए तरीके की बुक्स, जिसको पढ़ने के बाद आप एक क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा, चाहे फिर कोई से भी राज्य का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऑनलाइन बुक्स आपको मिल जाएगी, आप परचेज कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ जाकर जो ऊपर मैंने लिंक बताई थी वहाँ से आप बाय करने के ऑप्शन पर क्लिक करके खरीद सकते हो। बाकी कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन आती है, पैरामेडिकल के भी फॉरम साथ में आएंगे, फार्मेसी के भी साथ में आएंगे, RHS में सभी एक साथ ही होने वाला है। तो आपके जो फॉरम आने वाले हैं वो कब आएंगे? वो आने वाले हैं आपके अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपके फॉरम आएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।